सपनों का तारों का सबका कहना है। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और मैंने खाना वाना खा लिया क्योंकि आज सोमवार का फास्ट था, तो और खाना बना भी लिया है सबके लिए। तो बस अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि ऐसे फ्री बैठे थे तो सोचा हॉस्पिटल चलते हैं। और वहाँ भैया को खिचड़ी भी देके आनी है, खिचड़ी बनाई है उनके लिए, तो खिचड़ी भी देकर आ जाएंगे और थोड़ा ऐसे घूम कर भी आ जाएंगे, उनसे मिलकर भी आ जाएंगे। तो चलो चलते हैं हॉस्पिटल। और वैसे आज उनको छुट्टी देने का भी था बट पता नहीं क्या हुआ अचानक। कहीं हो? गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माई चैनल उषा राठौर। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बढ़िया हूँ। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, सॉरी मैंने गुड मॉर्निंग गलत बोल दिया था, अभी 12:30 बज रहे हैं तो हो रहा है दोपहर का टाइम। और मैं हुई हूँ अभी फ्री अपने डेली रूटीन के काम से, और डेली रूटीन से ज़्यादा किया है क्योंकि आज थोड़े घर की साफ सफाई वगैरह की, और थोड़े मम्मी ने धोए थे बेडशीट वगैरह और जो सोफे कवर है, और मैंने की साफ सफाई क्योंकि कल है रक्षाबंधन, कल है या परसों है ये कोई फिक्स नहीं है क्योंकि कोई बोल रहा है 30 को है, कोई बोल रहा है 31 को है, क्योंकि ये भद्रा की दिक्कत आजकल कुछ ज़्यादा ही आने लगी है तो रक्षाबंधन अच्छे से सेलिब्रेट ही नहीं होता। क्या मतलब क्या भद्रा आती है आजकल, जैसे जैसे ज़्यादा पंडित होते जा रहे हैं वैसे वैसे मतलब अलग ही सिस्टम होता जा रहा है। तो पहले कुछ ऐसा जानते तो थे नहीं तो अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, बट आजकल तो भद्रा भद्रा पता नहीं क्या क्या आ जाती है। तो बस अभी मैं नहाकर आई तब तक ये सोफे कवर भी सूख गए, तो मैं सोच रही हूँ इनको लगा देते हैं क्योंकि फिर शाम को ज़्यादा काम हो जाता है, तो इनको लगा कर उसके बाद ही रेस्ट करूँगी। और तो आप लोग बताना रक्षाबंधन आप कब का सेलिब्रेट कर रहे हो, और गांव भी जाना है, गांव भी जाएंगे भाई के राखी बांधने क्योंकि भाई बहन का त्यौहार होता है, भाई बहन के लिए होता है। तो पिछली बार तो मतलब वहीं थे हम, इस बार मैं फर्स्ट टाइम मतलब भाई के लिए यहाँ से राखी लेकर जाऊंगी शादी के बाद, क्योंकि पिछली बार तो सावन था तो मैं वहीं थी, वहीं से राखी लेकर बांधी थी। तो मतलब गाँव भी जाना है तो गाँव की भी खुशी हो रही है गाँव जाने की। और बस अब मैं लगा देती हूँ ये कवर। और रात को गए थे हम हॉस्पिटल भैया को खिचड़ी खिलाने, लेकिन भैया को डिस्चार्ज मिल गया था तो फिर उनको पूनम जी के घर शिफ्ट किया। अब पूनम जी घर ही रुकेंगे वो और मासी सा 15 दिन के लिए, क्योंकि उनके जो ताके खुलेंगे तब उसके बाद ही वो गांव जाएंगे, तब तक वो यहीं रहने वाले हैं। तो हमने मतलब 10-11 बज गए थे वहाँ क्योंकि सोबा यार सब आ गए थे, फिर हम बातें करने लग गए, उसके बाद 10-11 बज गए थे तो मैंने कोई आगे ब्लॉग शूट नहीं किया। बस तो कर लेते हैं जल्दी जल्दी अपना ये काम फ्री। और अभी मैंने मम्मी ने करेले कट कर दिए थे और मैंने उसके नमक वगैरह लगा कर रख दिया है क्योंकि आज भैया का मन करेले की सब्जी खाने का हो रहा है। उन्होंने कल बोला था कि करेले की सब्जी खाने, लेकिन पूनम जा करेले तो लेकर आ गए लेकिन मासी सा को बनाने नहीं आती, तो मैं बोली मैं बना दूंगी। तो अभी मैंने करेले के नमक वगैरह लगा कर रख दिया है और बस अब थोड़ा सा खाना खाऊंगी, पहले ये करूंगी उसके बाद थोड़ा खाना खाऊंगी फिर रेस्ट करूंगी क्योंकि काम करते करते हाथ पैरों में दर्द सा होने लग जाता है। तो चलो कर लेते हैं फटाफट से अपना काम, फ्री हो जाते हैं। तो अभी मैं हो गई हूँ अपना काम वाम करके फ्री और आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस नहाना धोना हो गया है और अब बनाएंगे खाना, और आज सब घर पर ही है क्योंकि सबकी छुट्टी है, और राखी का राखी सेलिब्रेट शायद रात को 9 बजे करेंगे, है ना? सुनिया? तो रात को 9 बजे राखी का सेलिब्रेशन करेंगे हम, तो शेयर करेंगे आज का पूरा दिन आप लोगों के साथ कैसे क्या करते हैं। वैसे तो आज का दिन पूरा बिजी रहने वाला है क्योंकि मैंने रात को मेहंदी भी नहीं लगाई थी, और अब मेहंदी भी लगाऊंगी, परिवार सब भी आ रहे हैं तो उनके भी लगाएंगे, फिर मेरे भी लगाऊंगी, और कल गांव जाने के लिए बैग भी पैक करना है। और ये यहाँ देखो मस्त पबजी खेलने में बिजी है। हाँ, अब तो मैं गांव जा रही हूँ, इतने खुश होते हैं ना, मैं गांव जाती हूँ तब देखो कितनी जोरदार खुशी हो रही है अंदर वाने। तो ये अपना पबजी खेलने में बिज रहे थे, रात को 2 बजे तक खेलते हैं और सुबह उठते ही चालू हो जाते हैं। तो बस अब जल्दी से बनाएंगे खाना, बेडशीट लगा दीजिए ठीक है ना। तो हमारे परिवार सा ने मेहंदी भी लगा ली और पूरी नींद भी निकाल ली है, दिखाओ इतनी सुंदर मेहंदी बनाई है मैंने इनकी, है ना? कैसी है परिवार सा? और मैंने भी लगा ली है। तो अभी बस लग गए शाम के खाने की तैयारी में, और खाने में आज बनाने वाले हैं दाल बाटी चूरमा सबके लिए, क्योंकि शायद मामू साहब भी यहीं आएंगे
तो सबके लिए खाना बनाना है, दाल बाटी चूरमा बनाएंगे। और लग गई हूँ मैं काम में, 5:30 बजे 9 बजे तक मतलब बन जाएगा, लेकिन 9 बजे भी फिर पूरी तरह से फ्री रहेंगे, तैयार व्यार होने का काम रहेगा फिर, तो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। तो हमारे बना तैयार हो गए हैं राखी के लिए, राखी बंधवाने के लिए। तो पहले मैंने हो गए रेडी, पहले इनको रेडी किया है, अब मैं चेंज करूँगी। और तो ये इनको भूख लग गई है, तो पहले ये खाना खा रहे हैं। पूरा लुक दिखा दो, कुछ खाना खाया बाद में आपको फाइनल लुक दिखा दो। तो आज हमने बनाई है दाल बाटी, और 8:30 बज गई है, तो 9 बजे का मुहूर्त है, जल्दी से तैयार भी होना है, तो तैयार होने के बाद मिलते हैं आपसे। अभी मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने ये वाला सूट पहना है, आज फर्स्ट टाइम पहना है ये सूट। तो मामू सा मामी सा भी आ गए हैं, तो जल्दी से ऊपर चलते हैं। और मैंने बस ये छोटे वाले इयररिंग्स और ये रखड़ी रखड़ी पहनी है, तो चलो चलते हैं जल्दी से ऊपर। तो आज यहाँ हो रही है हमारी ऑफलाइन सेल, बना खरीद रहे हैं अपनी बहन के लिए, बना अपनी टीना बाईसा के लिए, वो अपने बहन के लिए खरीद रहे हैं, टीना बाईसा है उनका नाम। तो ले लिया, कौन सा लिया इन्होंने? ठीक है चलो। हाँ यही कर दो, बस बढ़िया सामते हो, नई थैली में डालो, इमु थैली ले लो, अलमारी मुँह नहीं, अरे राख मैं कर लो पहली तक डोला और जाता आएगा पहली सेल को जुगाड़ देख, मत पहले काम दो, पहले खर्चो निकलो, जो राख को राख को खर्चा बजो पहले दे, मां का ही बात देखो या देखो सर, नहीं ये सब स्कैन कर दें आप की बात हो, पूनम मेरे को ऑनलाइन रिप्लाई कर ले, अब डिब्बा में मन उठा दे रखे रिप्लाई। हम आए पूनम जी जाके घर, क्योंकि जीतू भैया से वहाँ चला नहीं जाता, तो हम सब यहीं आ गए राखी सेलिब्रेट करने। हाँ। फिर सुबह जा यहीं आ जाएंगे, क्योंकि फिर ये यहाँ रहते हैं, इनका मन नहीं लगता। ओके ठीक है, हम चाह रहे हैं पट जाओ ना, हाँ आपको ध्यान रखो, मर तो ध्यान ही हट जाओ। चलो मैं घूंघट निकाल लेती हूँ, एंट्री करते हैं अंदर। हमारे सबसे बड़े भैया को राखी बांधने, बड़े भैया मम्मी इधर भी देख लो, जलवा है उनका कोट लमिंग का चादरा को कटाए। बैकग्राउंड म्यूजिक दू बैकग्राउंड YouTube में तो ये बन जाएगी देखो। आ तो पहली बार रखी बनाई है। मेहंदी लगा लो, ये फेसबुक लगा लो।
आवाज के अंदर देगी तो मैं वो बोल मक्कल मक्कल को मेरे को नहीं तेरी हकीकत खाऊंगी तो ये गो वो तो मंगाए ना मक्कल में कैस्ट है वो फोन पे में दिखना चाहिए सीधा फोन पे डाल दे लो फोन फोन का नंबर बोल दे तुम ये देख रहे हैं तो गाइस इसके अंदर तो देखा देखा रुतबा देख रहा है तो कर रहा कर मत देश का अब तो 51 सौ पढ़ने मूरत देखकर काम थोड़ा ना करे ए, रील की लाइटिंग देखकर काम करे चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूरी तुम ना हो तो हर दिन आधार एक शाम अधूरी मुझसे है बड़ी पहली दे तुझसा ना कोई अपना संग मेरे यूं ही रहना तू ओ बहना मेरी बहना संग मेरे ज्यादा हंसना कभी थोड़ा रूठ लेना तू तूने ही तराशा तूने ही है सराहा फर्श से उठाकर मुझको सीने से लगाया दिल में
मेरे हाथ में खुलना तो उनका फुल स्माइल करिए दोनों से जब ले तो कम है तुझसा ना कोई अपना संग मेरे यूं ही रहना तू बहना मेरी बहना संग मेरे साया हंसना कभी थोड़ा रूठ लेना तूने ही तराशा तूने ही हंसा स्वर्ग से उठा कर मुझको सीने से Ha 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 ha!
Gracias.
तो हम आ गए थे घर राखी बंधवा कर और थोड़ी सी पिक्स क्लिक करवाई, फिर थोड़ी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, सांस में दिक्कत हो गई थी उनके, तो फिर हम जल्दी से आ गए। मतलब राखी तो सही से बांध दी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी उनके सांस में दिक्कत हो गई थी, तो बस आकर हमने चेंज कर लिया है और अब थोड़ी मम्मी की तबीयत भी ठीक है, उनके कुछ पंप वगैरह लगाए तो अब वो ठीक है। और रात के बज रहे हैं, 12 बज गए शायद, और हमारी राखी मैचिंग राखी बांधते हैं सुबह या हर बार हमारे। राखी दिखाओ आपकी, देखो मैचिंग राखी। तो बस आज के ब्लॉग को करते हैं यही एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग होगा मेरे गांव का। तो बस वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। अभी तो ये भी करना है मुझे, कितना सारा फैलावड़ा पड़ा है, वो तो साइड बाजार सो गए, हटवाए हटाए देखा।